अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी और आप देख रहे हैं ANN न्यूज़। ये हैं जमात अली जो लाहौर के रहायशी हैं और महमूद भूटी में रहते हैं। ये पिछले 4 साल से उन मरीज़ों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मुहैया कर रहे हैं जिनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचना होता है। इन्होंने अपना नंबर अपने रिक्शे की बैक साइड पे लिखा हुआ है कि किसी को भी ज़रूरत हो, किसी भी वक्त, चाहे रात का टाइम हो, दिन का कोई टाइम हो, ये फ़ोन अटेंड करते हैं और फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और ये पिछले 4 साल से ये अपने वालदैन के साले स्वाब के लिए ये काम कर रहे हैं। जमात अली साहब, बहुत ही नेक और ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं, कब शुरू किया और किस तरह? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सबसे पहले सब भाइयों को सलाम। ये तकरीबन मैं ये काम 4 साल से इंसानी खिदमत कर रहा हूँ, और मैं पहले रेंट का रिक्शा चलाता था और 2 साल रेंट का रिक्शा चला के इंसानी खिदमत की है, फिर किस्तों पर रिक्शा निकलवाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अपना ज़ाती रिक्शा है और ये जो एमरजेंसी मरीज़ों वाला काम है 24 घंटे सर्विस रखी हुई है। रात और दिनों मरीज़ों को फ्री हॉस्पिटल छोड़ता हूँ, पूरे लाहौर के किसी भी हॉस्पिटल का मरीज़ हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके जाता हूँ। अपने वालिदैन के साले स्वाब के लिए काम कर रहा हूँ। ये आइडिया किस तरह आया? ये तकरीबन आज से 4 साल पहले की बात है कि मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और कन्वेस कोई नहीं था, रात का टाइम था तो रिक्शे वाले रोक रहा था रोड पे, कोई रिक्शे वाला 400 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, लेकिन भाई मरीज़ को कोई नहीं देख रहा था। उसके बाद एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम हॉस्पिटल पहुँच के भाई का ट्रीटमेंट हुआ, भाई भी सहीयाब हो गए। उसके बाद सोचा कि मेरे पास रोज़गार भी कोई नहीं है, फिर मैंने ये रेंट का रिक्शा पकड़ा और उसी दिन लिख दिया कि गरीब मरीज़ों के लिए फ्री है। अगर जिस तरह मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, उनकी डेथ हो जाती, वो अल्लाह को अगर प्यारे हो जाते तो रिक्शे वालों को क्या जाना था। रिक्शे वालों को सिर्फ अपने किराए की पड़ी हुई थी पैसों की, लेकिन मरीज़ को किसी ने नहीं देखा। इसी बेस पे सोचते हुए ये काम मैंने शुरू किया। एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक कितने मरीज़ों को आप हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं? ये एक अंदाज़ा है, तकरीबन 100 से ऊपर मरीज़ों को मैं हॉस्पिटल पहुंचा चुका हूं। तो बताइए कि कोई भी किसी भी वक्त आपको फ़ोन कर सकते हैं, आप वो फ़ोन अटेंड करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, किस टाइम भी कॉल आ जाए, दिन को कॉल आ जाए, रात को कॉल आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम भी कॉल आए तो मैं फौरी रिक्शा, मेरा घर भी रेंट पर है और रिक्शा घर लगाने की जगह नहीं है, मैंने एक पुरानी सी बाइक रखी हुई है। वो निकाल के फिर स्टैंड पे जाता हूँ, वहाँ से रिक्शा निकाल के तो फिर जहाँ पे मरीज़ की लोकेशन है उनसे पूछ लेता हूँ, रब्ता करके फिर पहुँच जाता हूँ, चाहे रात को 1:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, क्योंकि मैंने 24 घंटे सर्विस रखी हुई है। ठीक है, कोई ऐसा वाक़या, आप तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद को, मरीज़ों को हॉस्पिटल पहुँचा चुके हैं, कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक याद हो, किसी की इस तरह से जान बची हो कि आपको बहुत इससे खुशी फील होती हो आज भी याद करके? जी, एक दफ़ा ऐसे ही एक बुज़ुर्ग औरत थी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो 11 बजे पे कब से कॉल कर रहे थे लेकिन 11 बजे नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मेरा नंबर किसी से लिया तो उन्होंने मुझे कॉल की, 1:30 बजे का टाइम था रात का, तो उनको मैं गंगाराम हॉस्पिटल ले गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जाते ही उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, ट्रीटमेंट किया और 2 घंटे के बाद उन्होंने बताया कि अब ये ख़तरे से बाहर हैं। तो माशाल्लाह बड़ी दिली खुशी हुई मुझे कि अल्लाह पाक ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है और मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया। वैसे आप कहाँ पर रहते हैं और अपना घर है या किराए के घर पर रहते हैं? जी मेरा एरिया बागबानपुरा लाहौर, महमूद बूटी का रहायशी हूँ, मेरा घर रेंट पर है जी, मैं किराए पर रहता हूँ। तो किस तरह गुजारा हो रहा है? इस तरह आप सर्विस तो फ्री दे ही रहे हैं, ये आप सवाब के लिए एक नेक काम कर रहे हैं, तो वैसे गुज़ारा अच्छा हो रहा है? गुज़ारा हो रहा है, कितना कमा लेते हैं दिन का? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसकी राह पे चलते हैं, वो कहता है कि जो मेरी राह पे चलता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम जिस हॉस्पिटल मरीज़ उतारते हैं, भाई मेन गेट पे आ जाते हैं, ज़ाहिर कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आया तो उसने वापसी घर जाना है, तो जो रिक्शा करवा के उसने रिक्शे पर जाना, तो फिर वो सवारी पिक करते हैं, उसी पैसों में से घर का खर्चा वगैरह चलाते हैं और उसी पैसों में से पेट्रोल निकाल कर मरीज़ों को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजरा है। ये पिछले दिनों में लॉकडाउन रहा, 23 मार्च से 24 मार्च से लॉकडाउन रहा और बहुत हालात मेरे टाइट हो गए थे, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सर्विस को जारी रखा है। हाँ, ईद के दिनों में मुझे खुद कोरोना की शिकायत हो गई थी, मैंने टेस्ट कराए तो वो पॉजिटिव उसमें आए, तो उसके बाद मैंने 8 दिन ये रिक्शा नहीं निकाला, तो जब छोटी ईद गुजरी है तो उसके बाद मैं माशाल्लाह सहीयाब हो गया, तो फिर मैंने ये सर्विस एक्टिव कर दी दोबारा। फिर क्या उनके लिए पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह आपको मोटिवेशन मिली, जिस तरह आपको खुशी महसूस होती है लोगों की खिदमत करके, वही आप लोगों के साथ शेयर करें कि आप तरह के ही बहुत सारे लोग हैं कि वो भी इस काम में हिस्सा डालें? जी
कभी ऐसे ही होता है कि एक मेरे पास एक ऑटो रिक्शा है, मैं एक मरीज़ लेके जा रहा होता हूँ तो दूसरे मरीज़ की कॉल आ जाती है, तो मैं फिर उनको मना कर देता हूँ, भाई एक पेशेंट मेरे पास है। और मेरी कोशिश भी यही है कम से कम लाहौर में 8 से 10 रिक्शे मेरे अपने जाती हों, और लोग दोस्त भाई हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या किसी भी सर्विस पर हैं तो उनसे यही अपील है कि इंसानी से प्यार करें, क्योंकि आखिरत में हमने भी एक दिन सबका टाइम मुकर्रर है तो सबको मौत का जायका चखना है। मैं कहता हूँ कोई ऐसे काम करें कि अल्लाह पाक को मुँह दिखाने वाले बने, क्योंकि इंसान से हर सवाल है नमाज के, दीन के, लेकिन एक सवाल इंसानियत का भी है, तो इंसानियत से प्यार करें, इसका अजर अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देता है। जमात अली हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी कहानी सुनी कि किस तरह वो पिछले 4 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और ये जज्बा उनका कम नहीं हुआ बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि अभी तो उनके पास एक रिक्शा है लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पास कोई 8 से 10 रिक्शे हों जिस पर वो लोगों को सर्विस मुहैया कर सकें, उनको टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचा सकें और इंसानियत की खिदमत कर सकें। पैगाम भी उनका यही है कि एक दिन मौत सबको ही आनी है, मौत का जायका सब ने ही चखना है, लेकिन आप इंसानियत की खिदमत कर दें। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एएनएन न्यूज़।